मंत्री की बेटी होने का एहसास हमें नहीं दिलाया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनी, मेहनत करके बनी है, पिता के नाम से नहीं अपनी मेहनत से बनी है, क्योंकि वो भी जमीन से जुड़ के काम करती है। ऐसी आदरणीय नेहा जोशी जी को मैं यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ कि वो भी महिलाओं को अपना उद्बोधन देकर खुश कर भारत माता की, भारत माता की। आज इस ऐतिहासिक मौके पर हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जो एक बड़े भाई के रूप में लगातार हम सब पे जिनका आशीर्वाद बना रहता है, ऐसे पुष्कर सिंह धामी जी, मंशासीन हमारी महिला मोर्चा की प्रदेश की अध्यक्षा आदरणीय आशा नौटियाल जी, जिनका जो राजनीतिक जीवन रहा है, उनकी कार्यशैली और जिनका व्यवहार, तीनों हम महिलाओं को सिखाता है कि राजनीतिक जीवन में महिलाओं का आचरण और व्यवहार कैसा होना चाहिए। ऐसी हमारी बड़ी दीदी आशा नौटियाल जी इस कार्यक्रम का संचालन करती हुई मेरी बड़ी बहन गीता दीदी, जिनकी भाषण कला को सुनते हुए और शब्दों का चयन जो उनका होता है, मैंने भी भाषण देना सीखा है। ऐसे मंशासीन हमारे सभी अतिथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारी महिला मोर्चा के सभी वरिष्ठ नेता जो यहाँ पर मौजूद है, मैं सबका नाम लूंगी तो बहुत समय हो जाएगा, लेकिन सबको इस मंच के माध्यम से मैं प्रणाम करती हूँ कि आप सबने अपने इस मंच पर अपनी इस बेटी को भी आने का और बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। हमारे साथ इस प्रदेश का भविष्य, बहुत सारी हमारी छात्राएं मौजूद हैं, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। और अभी जब गीता जी अपने भाषण में बात कर रही थी, उन्होंने एक बात कही कि मुख्यमंत्री जी जब काम करते हैं तो वो अंतिम व्यक्ति के लिए काम करते हैं, और अक्सर जब हम समाज के अंतिम व्यक्ति की बात कर रहे होते हैं, वो व्यक्ति महिला होती है। तो महिलाओं के लिए अगर कोई काम कर रहा है तो वो हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, अगर कोई पार्टी काम कर रही है तो वो हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। तो मुझे गर्व होता है कि मैं ऐसे एक संगठन का हिस्सा हूँ या ऐसी व्यवस्था का हिस्सा हूँ जहाँ महिलाओं के लिए सोचा जा रहा है, भविष्य के लिए सोचा जा रहा है। इस क्षेत्रीय आरक्षण जो एक जियो के माध्यम से चल रहा था, एक तलवार से लटकती रहती थी, और जब कुछ परीक्षार्थी थे दूसरे प्रदेशों के, जब वो उस मैटर को कोर्ट में लेके गए और कोर्ट ने इस पर एक आपत्ति जताई, तो एक बहुत अनिश्चितता का माहौल बना हुआ था। जो हमारी पीसीएस क्वालिफाइड बच्चियां थी, चाहे वो चंपावत से आती थी, पिथौरागढ़ से आती थी, रुद्रप्रयाग से आती थी, वो चिंतित थी कि उनके भविष्य में क्या होगा, क्या वो कंपीट कर पाएंगी उन लड़कियों से जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, इन स्थानों में पढ़कर इन एग्जाम्स के लिए तैयारी करती हैं। उस समय हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इस बात को समझा, क्योंकि वो खुद गांव में, उन्होंने वो जीवन देखा है, वो कठिनाई देखी है, गांव के स्कूल में पढ़े, उनको इस बात का एहसास था कि चंपावत में जब सरकारी स्कूल में जो बच्ची पढ़ती है वो नगर में पढ़ती हुई बच्ची से नहीं कम्पीट कर सकती। इसलिए जहाँ उत्तराखंड की बात आती है, जिस तरीके से केंद्र में मोदी जी हमेशा नेशन फर्स्ट की बात करते हैं, दुनिया में कहीं भी जाए वो पहले भारत की बात करते हैं, भारत के इंटरेस्ट की बात करते हैं, भारत कैसे आगे बढ़ेगा इसकी बात करते हैं। इसी तरीके से मुझे गर्व है कि हमारे प्रदेश में ऐसी सरकार है और ऐसे हमारे बड़े भाई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं कि जिन्होंने कहा उत्तराखंड फर्स्ट, और उत्तराखंड की बेटी तो सबसे फर्स्ट। तो जब उत्तराखंड की बच्चियों के, बहनों के भविष्य की बात आएगी तो सरकार ने एक स्टैंड लिया। अभी आशा दीदी ने जो बात की, केवल 5 प्रदेशों में इस तरीके का आरक्षण है, और इन सभी प्रदेशों में इस आरक्षण की जरूरत थी क्योंकि हमारी बेटियों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो बहुत ज्यादा न बोलते हुए मैं आप सबको पुनः धन्यवाद करूंगी कि आपने इस मंच पर मुझे भी अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं और हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करूंगी कि आपने ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में इस प्रदेश में अपनी छवि बनाई है भैया, कि हर महिला, हर बहन को ऐसा लगता है कि अगर कोई भी परेशानी है वो अपने मुख्यमंत्री तक पहुंच सकती है। ये बहुत बड़ी बात है। हर नेता एक्सेस जो होता है, एक्सेसिबल होना, मुझे लगता है मोदी जी हमेशा इसकी बात करते हैं कि नेता ऐसा होना चाहिए जिस तक हर व्यक्ति पहुंच पाए, और पुष्कर सिंह धामी जी ने ऐसे नेता के रूप में अपनी छवि को स्थापित करा है। एक बार फिर इस प्रदेश की सभी महिलाओं की ओर से, युवतियों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद नेहा जी, आपने महिलाओं को और माननीय मुख्यमंत्री जी को, वाकई में जो हमें 30% का जो आरक्षण मिला है,
हम तो राजनीतिक पार्टियां हैं, हम तो बोलेंगे, लेकिन हमारे बीच में कुछ ऐसी संस्थाएं हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो इस चीज की चर्चा भी कर रहे हैं, पूरे क्षेत्र में इस चीज की बात भी हो रही है। तो ऐसे कुछ संस्थाओं के जो प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर बैठे हैं, एक तो हमारे बीच में नेहा शर्मा जी हैं जो कि फिक्की की चेयरमैन भी हैं। मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करें। नेहा शर्मा जी, धन्यवाद। गीता देवी, मंच पर आसीन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय आशा नौटियाल जी, नेहा जोशी जी और गीता रावत जी। मैं फिक्की फ्लो को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हूँ और मैं चेयरपर्सन हूँ महिला उद्यमियों के लिए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी कि आप 30% जो रिजर्वेशन लेके आए हैं उसे महिलाओं को बहुत ही प्रोत्साहन मिलेगा, बच्चियों को प्रोत्साहन मिलेगा और फिक्की जिस तरह से ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहा है महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, थ्रू स्किलिंग, थ्रू अदर इनिशिएटिव्स एग्रीकल्चर में, और हम लोग उनको अवेयर करेंगे किस तरह से वो इस 30% रिजर्वेशन का फायदा उठा पाएं और अपनी जिंदगियों को और अच्छा और बेटर बना पाए। धन्यवाद। धन्यवाद नेहा जी। हमारे बीच में एक स्टूडेंट भी हैं जो कि साईं कॉलेज ऑफ नर्सिंग से आई हैं, निवेदिता सिंह जी। मैं आपको भी आमंत्रित करती हूं मंच पे कि आप भी दो शब्द में माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करें। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून आवर रिस्पेक्टेड चीफ मिनिस्टर सर। My name is Navrita Singh and I'm here to express my great gratitude towards the reservation system of 30% female. And it's my pleasure and I'm very glad that I have got the opportunity now to serve and to contribute my country and be a part of its growth and development. Thank you very much. महिलाओं की डिमांड है कि मैं श्रीमती कमली भट्ट जी को मंच पे आमंत्रित करूं कि आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती है। आदरणीय कमली भट्ट जी, धन्यवाद। गीता जी, भारत माता की, भारत माता की। आज बड़ा खुशी का दिन ही कहूंगी मैं कि आप लोग हमारी जो प्रदेश अध्यक्ष है आशा दीदी के नेतृत्व में हम लोग सभी बहनें और छात्र हैं यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने हम लोगों को यहाँ पर सभी बहनों के साथ लेकर आई हैं और काफ़ी समय से हम लोग सोच भी रहे थे। और राज्य में सरकारी नौकरियों के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 30% आरक्षण महिलाओं को दिया है उसके लिए मैं सभी बहनों की और से और जितनी भी छात्राएं हैं यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ भाई साहब कि बहुत ही ऐतिहासिक कार्य यहाँ पर हुआ है। और हमारे बीच में हमारी बेटी जो आज अपने दम पे प्रदेश की युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, ऐसी बेटी नेहा को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका भी मार्गदर्शन सभी बहनों को मिलता रहता है। आप हमेशा बहनों के लिए हमेशा खड़ी रहती हैं। हमारे बीच में जो संचालन करी है प्रदेश महामंत्री गीता रावत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज सभी बहनों के चेहरों में कितनी खुशी दिखाई दे रही है सर, अभी आप सब लोग देख ही रहे हैं और पूरे प्रदेश में आज एक खुशी का माहौल है। और इसी तरह से मैं भाई साहब से उम्मीद करती हूँ कि आगे भी बहनों के लिए आप इसी तरह से एक भाई के रूप में खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कमली भट्ट जी। हमारे बीच में श्रीमती मधु भट्ट जी भी आई हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। श्रीमती मंजू नेगी जी भी आई हैं, आपका भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। हमारे बीच में पारुल दीक्षित जी हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट लॉ डिपार्टमेंट डीएवी कॉलेज। मैं आपको आमंत्रित करती हूँ संक्षिप्त शब्दों में आप माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करें। मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद
मंच को प्रणाम। धन्यवाद गीता जी मुझे ये मौका देने के लिए। मैं लॉ डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और लॉ पढ़ाती हूँ, इसलिए ये जानती हूँ कि इस तरह के रिजर्वेशन का जो परिणाम होगा वो कितनी दूर तक जाएगा। यहाँ पे जो उत्तराखंड की बालिकाएं हैं उनके संबंध में ये रिजर्वेशन दिया जाना ये बहुत ऐतिहासिक दिन है, बहुत ऐतिहासिक कदम है और हम वाकई हमारे मुख्यमंत्री जी का दिल से धन्यवाद कर रहे हैं कि वो इतना सेंसिटिव है विमेन के इश्यूज में। हमारी ये पूरी पार्टी ही बहुत सेंसिटिव है एक्चुअली, लेकिन खास तौर पे मुख्यमंत्री जी ने ये 30% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात पे बिल पास किया है अपना इनिशिएटिव लेकर के। जब एक बच्ची घर में पढ़ती है तो आप ये समझिए एक परिवार पढ़ता है, उसके बच्चे पढ़ते हैं और वो, और जब 30% रिजर्वेशन से बच्चियां आगे आएंगी। देखिए हम 50% आबादी है इस देश में लेकिन हम अभी केवल 30% रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, तो इतना तो जायज बनता भी है हमारा हक। और थैंक यू वेरी मच ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ दी वेमेन हियर इन उत्तराखंड। और मैं आई एम वेरी मच श्योर कि महिलाएं जिस तरह से काम करती हुई दिख रही हैं इस आरक्षण का बहुत अच्छा उन्हें लाभ मिलेगा और आने वाले समय में वाकई में ये मातृशक्ति बहुत कुछ करके दिखाने वाली है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पार्वती जी। महिला नाम है संपूर्ण ब्रह्मांड का, अपने आप में महसूस करोगे तो सब कुछ दिखाई देगा। महिला नाम है सहन शक्ति का, महिला नाम है माफ करने का, महिला नाम है वो तमाम जितने भी दुख होती है तकलीफ होती है वो अपने चेहरे पे शिकन नहीं आने देती है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी कभी महिलाओं ने अपने हक की लड़ाई लड़ी ही नहीं है। लेकिन आज हमें इस बात की खुशी होती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे युवा चेहरे जो कि हमारे प्रदेश को मिले हैं वो महिलाओं के प्रति बहुत संवेदनशील है। उन्होंने सोचा, क्योंकि ये नहीं है कि आप में कुछ कमियां हैं लेकिन कहीं ना कहीं एक हाथ जरूर चाहिए जो आपको उंगली पकड़ के एक सीढ़ी जरूर चढ़ा दे, उसके बाद आप अपनी काबिलियत से आसमान की बुलंदियों को छूए। अब मैं निवेदन करूंगी इस प्रदेश के मुखिया, युवाओं की धड़कन जिनका कार्यकाल यशस्वी बेदाग और मैं ये कहूंगी कि सबसे सरल मुख्यमंत्री के रूप में आप विराजमान हैं, जिससे कि हर अंतिम व्यक्ति बात कर सकता है बिना किसी हेजिटेशन के, तो मैं आमंत्रित करूंगी माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी। भारत माता की जय। भारत माता की जय। नाश्ता नहीं करके आए लेकिन अभी भोजन तैयार हो गया है। माननीय पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे प्रदेश की महिला मोर्चा की अध्यक्ष और जिनका पूर्व में विधानसभा के सदस्य के रूप में भी लंबा कार्यकाल रहा है, मातृशक्ति की प्रतीक महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बहन आशा नौटियाल जी, युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बहन नेहा जोशी जी, मंच का संचालन करने वाली पूर्व में ब्लॉक प्रमुख रही महिला मोर्चा की प्रदेश की महामंत्री बहन गीता रावत जी, सभागार में उपस्थित हमारी पहले महिला मोर्चा की प्रदेश की अध्यक्ष और अनेकों दायित्वों का जिन्होंने निर्वहन किया है आदरणीय दीदी हमारी भावना मेहरा जी, शांति मेहरा जी, प्रदेश उपाध्यक्ष रुचि भट्ट जी, भावना शर्मा जी, प्रदेश मंत्री के रूप में कमली भट्ट जी, रीता चमोली जी एवं मीडिया प्रभारी नेहा शर्मा, शकुंतला देवलाल जी,
अंजलि सेमवाल जी, सरला खंडूरी जी, शकुंतला जगवान जी, विमला नौटियाल जी एवं सभी यहाँ पर उपस्थित हमारी मातृशक्ति, हमें एक एक का नाम लूँ तो बड़ा लंबा हो जाएगा। वहाँ दीदी हमारी निकी जी भी बैठी हैं पीछे आकर, और सभी हमारे पदाधिकारीगण, सभी कार्यकर्ता बहने और शिक्षा जगत से भी जो लोग इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं, हमारी जो लॉ डिपार्टमेंट की मिश्रा जी, दीक्षा जी, दीक्षित जी हम, और हमारी शिक्षार्थी बहने, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधु, मैं सबसे पहले तो आप सभी मातृशक्ति को नमन करता हूँ, सबको प्रणाम। क्या कहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए मैं आप सभी मातृशक्ति को, अपनी कर्मठ बहनों को हृदय की गहराइयों से आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे आज पहली बार इस सभागार में आए होंगे। इस सभागार कुछ लोग तो पहले भी आए होंगे, कुछ लोग पहली बार आए होंगे। जो पहली बार आए हैं और जो बार बार आए हैं, मैं सबका मुख्य सेवक सदन है इसका नाम। अब पहले जनता दर्शन हॉल होता था इसका नाम, इसका नाम अब हम लोगों ने बदल दिया है। ऊपर लिखा होगा देखिए, मुख्य सेवक सदन। मुख्य सेवक सदन में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज आप सब लोगों ने जो यहाँ पर सभी लोगों ने उपस्थित होकर, और विशेष कर से हमारी प्रदेश अध्यक्ष जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, और मुझे धन्यवाद करने के लिए, मेरा सम्मान करने के लिए आप सब यहाँ एकत्र हुए। ये सम्मान मेरा नहीं है, ये पूरे हमारे प्रदेश की संपूर्ण मातृशक्ति का सम्मान है। आप सभी के चेहरों की मुस्कान और आत्मविश्वास देखकर मुझे, सच बताऊं तो, बड़े गर्व की अनुभूति हो रही है। मैं देख रहा हूं कि आप लोग सब इतने खुश हो, और खुशी का कारण भी है। वैसे बहुत मुश्किल से ये काम काफी कठिन था। पहले हम लोगों ने, जैसे ही यहाँ से उच्च न्यायालय का फैसला आया, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, और सुप्रीम कोर्ट में भी काफी संघर्ष हम लोगों ने किया, लगातार इसकी मॉनिटरिंग करी, और कुछ लोग तो समय समय पर, जो जरा सा भी कुछ कोर्ट भी कोई निर्णय लेता है उसको भी सरकार के ऊपर थोप देते हैं, क्योंकि कोर्ट एक स्वतंत्र इकाई है, उस पर निर्णय होते हैं, अपनी कार्यप्रणाली होती है, वहाँ पर कई सारे बिंदुओं पर चर्चा होती है, उसके बाद जो भी डिसीजन आता है। उस समय भी एक बहस छिड़ गई, लेकिन मैंने हमेशा यही कहा कि हम मातृशक्ति के लिए कोर्ट में भी लड़ाई लड़ेंगे, और जरूरत पड़ेगी तो हम विधेयक के रूप में भी इसको लाएंगे। मुझे खुशी है कि हमने माननीय न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में इसकी पैरवी करी, सरकार वहाँ पर SLP के माध्यम से गई, और हमने वहाँ पर जो भी हमारी पैरवी हो सकती थी उस पैरवी को किया, तो माननीय न्यायालय ने जो यहाँ का निर्णय था उस पर रोक लगा दी। लेकिन उसके बाद भी हम चाहते थे कि इसको असली जामा पहनाया जाए, और इस बार के विधानसभा के सत्र में हमने विधेयक के रूप में इसको लाकर एक विधेयक का स्वरूप कर दिया, और उसमें पूरी तरह से गवर्नर साहब ने भी हमको स्वीकृति प्रदान कर दी, उन्होंने भी अपनोदन कर दिया, और अब ये 30% का आरक्षण हमारा आगे के लिए लागू हो गया।
मैं इसके लिए आप सभी को बधाई भी देता हूँ। आप सबका धन्यवाद कि आप ही सब लोगों से ये प्रेरणा मिलती है कि इस प्रकार का जो काम था, क्योंकि ये होना बहुत ज़रूरी था। जैसा अभी नेहा ने कहा कि दिल्ली में, बम्बई में, अन्य शहरों में बहुत जो हमारी जहाँ का एक पहले से ही उस प्रकार का एटमॉस्फेयर मिलता है उनको बचपन से, वहाँ की महिलाओं को, मातृशक्ति को, हमारे यहाँ तो बड़ा कठिन है, दुर्गम है। और मैंने तो स्वयं देखा है कि हम लोग कब पैदा हुए होंगे हमें पता नहीं। कभी मैं कई बार ज्योतिषाचार्य लोग कहते हैं कि आप अपना वो बताइए मुझे, मैं सच बताऊं तो मेरी जो कुंडली है उसमें जो तिथि, समय, दिन पता ही नहीं है, पता नहीं कितने प्रकार की घूमती रहती है। तो कई बार मुझे जब बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य लोग मिल जाते हैं तो वो कहते हैं बताइए और कुछ भविष्यवाणी करते हैं, तो मैं कहता हूँ महाराज आपको मेरी जन्म तिथि सही वाली पता तो होगी नहीं। क्यों नहीं पता होगी? अब कब पैदा हुए हम लोग गांव में? हाँ, कभी कहते थे कि वो भैंस चिल्ला रही थी, खाना खाने के इतने घड़ी बीत गए थे, रात यहाँ पहुंच गई थी, चंद्रमा वहां दिखाई दे रहे थे, तब पैदा हुए। तो आज भी हमारे यहाँ का जीवन इसी प्रकार से है। कितनी बार तो आज भी मैं देखता हूँ, और उस समय तो मैंने देखा है नजदीक से, अपनी माँ को भी देखा, पीछे से बच्चे को यहाँ बांधा ऐसे और फिर घास काटने जाते जंगल में। एक बार तो मैं आपको बताऊं कि मैं बचपन में, मुझे याद है भी, मैं 5-4 साल का रहा हूँ, 4 या 5 साल का मुझे याद है भी, लेकिन मैं माताजी के साथ अपने मामा के घर जा रही थी। वो इतनी दूर है, कई घंटों लगते होंगे, मुझे लगता है 5-6-7-8 घंटे लग जाते हैं पैदल पैदल। तो वो आगे आगे जा रही थी तो एक रास्ते में जो है छोटी सी गाड़ आ गई। हाँ, गाड़ सब समझ रहे हैं, चलने वाला पानी था तो गाड़ हुआ, गधेरे में तो पानी रुका रहता है ना। हाँ, चलता उसको गाड़ कहते हैं, छोटा नाला जैसा, नाले से थोड़ा बड़ा। तो उसको पार कर रहे थे, माता जी तो आगे निकल गई, अब मैंने भी कूद मारी और मैं गिर गया उसमें। मेरे यहाँ पर चोट लग गई है, अभी भी मेरा निशान है यहाँ। और कोई डॉक्टर नहीं, नेहा तुम लोगों ने तो खुद डॉक्टर देखे होंगे एक से एक। अभी कुछ छोटा सा कुछ, एक छोटी सी कांटा भी लग जाता है तो डॉक्टर को बुला लेते हैं। यहाँ पर घाव हो गया और मुझे याद है कुछ नहीं, वो माता जी ने अपनी धोती फाड़ी, उसी को बांध दिया मेरे से और उसे ठीक हो गया, मैं कुछ नहीं लगाया उसके लिए। तो ऐसे बच्चे पले बड़े, तो वो स्वाभाविक रूप से उनकी और बराबरी नहीं हो सकती। इसलिए मैं पहले दिन से इस बात पर अड़िग था कि ये हमारा आरक्षण बहाल होना चाहिए, इसके लिए चाहे जो भी करना हो, जितना भी आगे जाना पड़ेगा। हमने तय किया था कि हमारी बहनों को भी, हमारी बेटियों को भी, सबको आगे आने का अवसर मिलना चाहिए। सबको, जो हमारे यहाँ नया जमाना है, उस नए दौर में आगे आना है। और हम लोगों ने आपके आशीर्वाद से ये काम हो गया, क्योंकि सरकार भी आपकी है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोग इस बात को भली भांति समझते हैं और भगवान की कृपा से काम हुआ। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भी आप देखें कि जैसे ही वो प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शुरू किया, और जिसके कारण से एक बड़ा जो अनुपात था वो काफ़ी बैलेंस अनबैलेंस हो रहा था, असंतुलन हो रहा था, एकदम से
कहीं 700 बेटियों पर 1000 का रेशियो आ रहा था, कहीं तो 700 से भी नीचे आ रहा था, कहीं उससे भी नीचे आ रहा था। उसके कारण से जब उन्होंने कार्यक्रम शुरू किया तो आज देश के अंदर लगातार ऊपर आ गया अनुपात, लोगों के अंदर जागरूकता गई, बेटियों के लिए अनेकों कार्यक्रम चलाए। स्वतंत्र भारत के इतिहास में उज्ज्वला योजना पहली बार प्रधानमंत्री जी लेकर आए। पहले क्या था, धुआं लकड़ी लाना, जंगल से इकट्ठा करना, कितनी परेशानियां, और एक दिन में ही पता नहीं कितने 200-300 बीड़ी सिगरेट का जितना धुआं होता है उतना पेट के अंदर चला जाता था, आंखों में चला जाता है, तमाम प्रकार की बीमारियां। आज 9 करोड़ से भी ज्यादा परिवारों को उज्ज्वला गैस योजना का लाभ मिल गया है। वहीं अभी आप देखिए स्वच्छ भारत अभियान, कितनी जगह मैंने देखा, क्योंकि मैंने स्वयं ग्रामीण जीवन भी जिया है, देखा है नजदीक से। अगर किसी को शौच आनी हो माता बहनों को, तो वो सवेरे से लेकर शाम तक का इंतजार करते थे कि शाम होगी तब जाएंगे, जगह ही नहीं मिलती थी। नए दौर में तो क्योंकि काफी सुविधाएं बढ़ गई हैं, अपन और प्रधानमंत्री मोदी जी का हम धन्यवाद करते हैं कि घर घर शौचालय बनाने का काम स्वच्छ भारत अभियान चलाकर, अनेकों योजनाएं। आज आयुष्मान भारत योजना है, आयुष्मान भारत योजना भी एक ऐसी योजना है जिसके बारे में हम सोचे हैं कि पहले के समय में कोई बीमार हो जाते थे, कोई बुजुर्ग बीमार हो गए, अस्पताल में भर्ती हो गए, बिल बनता था पहले दिन 10,000, दूसरे दिन 20,000, तीसरे दिन 30,000, फिर 40,000 और बढ़ता जाता था। जब 4-5 दिन हो जाते थे तो वो बुजुर्ग अपने बेटे से खुद ही कहना शुरू कर देते थे, बेटा मुझे घर ले चलो, अस्पताल कितना खराब लगता है, किसी को अस्पताल में जाना पड़े हम तो ये कहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसे गरीब जिनको कोई स्वास्थ्य की गारंटी नहीं थी, कोई इलाज की व्यवस्था नहीं थी, उनके लिए भी ये योजना चलाई और 5 लाख रुपए तक का 1 साल के अंदर मुफ्त इलाज की सुविधा की गारंटी दे दी। एक तरह से आप कहिए कि बीमा दे दिया, अपने आप में एक अलग प्रकार की योजना। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं, अभी कोरोना महामारी हुई, आप सोचिए कि आज पूरी दुनिया के दूसरे देश अपनी अर्थव्यवस्था के लिए जूझ रहे हैं, कोरोना का उनको वैक्सीन भी नहीं लग पाई कई जगह को, और यहां 230 करोड़ डोज है अभी तक लग गई है, पहली डोज मुफ्त में, दूसरी डोज मुफ्त में, तीसरी बूस्टर डोज के रूप में। आप सोचिए कि अगर डोज नहीं लगी होती तो क्या हम लोग यहां बैठ पाते अभी? और जब पूरी दुनिया अपनी क्राइसिस में जूझ रही है, बड़े बड़े देश, तब हमारी अर्थव्यवस्था जो 10वें नंबर से भी ऊपर थी वो 5वें नंबर पर आ गई। ये सब हमारा चमत्कारी जो नेतृत्व है, और नेतृत्व ही नहीं मतलब उनके अंदर वो जीवन उनको उन्होंने जिया है। कल अगर आप लोगों ने परीक्षा पर चर्चा प्रधानमंत्री जी की कल सुनी हो तो वो बात बोल रही थी जो हम लोग बचपन में सोचते थे कि हमको कोई ऐसा बताने वाला होता। उन्होंने एक शब्द लाए थे कि उमंग से उत्कृष्ट तक पहुंचना है। जब बच्चे जो है किताब पढ़ते हैं कई बार उनके बोरिंग सब्जेक्ट आ जाता है तो उनकी उमंग क्या, उत्साह क्या, सब कम हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि इसको ऐसे नहीं लेना है, 3 घंटे अगर पढ़ना है 3 घंटे का टाइम टेबल, हम लोग भी टाइम टेबल बनाते थे, आप लोग भी सब लोगों ने बनाया होगा, हम सोचते थे दिन में हमको 6 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे पढ़ना है। नेहा तुमने बनाया कभी ऐसा टाइम टेबल? हम बनाते थे टाइम टेबल कि 8 घंटे तक पढ़ना है, पूरे दिन भर का हिसाब निकालते थे, कभी 10 घंटे पढ़ना है, नींद लग जाती थी किताब पढ़ते पढ़ते वैसे सो जाते थे। तो कल प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से बच्चों को बताया
जिस प्रकार से परीक्षा पर उन्होंने चर्चा करी, क्या तो अद्भुत था। एक एक बिंदु का इस प्रकार से बच्चों का मार्गदर्शन किया उन्होंने कि इससे पता लगता है कि उन्होंने किस प्रकार का जीवन किया। इसीलिए उन्होंने इतनी सारी योजनाएं बनाई। गरीबों के लिए देखिए, कोरोना में गरीब हमारे जो है वो रह जाते, भूखे न रहें, किसी को खाली पेट न सोना पड़े, कोई अन्न के बिना न रहे। गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई और उस गरीब कल्याण अन्न योजना से अभी तक भी मार्च 2020 में योजना चली, मार्च 2020 के बाद 20 में पूरी चली, 21 में चली, 22 में चली, अब 23 तक भी जो है पूरे साल भर के लिए जो है उसको आगे बढ़ा दिया है, उससे आगे भी बढ़ जाएगी। तो ये सोच हमारी जो है ये दर्शाती है कि देश का नेतृत्व किन हाथों में है। और अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की हमारी बैठक थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पूरी दुनिया अब भारत को देख रही है, भारत का स्वर्णिम काल अब आ रहा है, स्वर्णिम काल। आप सोचिए कि हम पांचवें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए, आने वाले समय में हम तीसरे नंबर पर आ जाएंगे, उसके बाद फिर भारत जो है इस अमृत काल में जगत गुरु के स्थान पर पहुंचेगा। हाँ, ये जरूर है कि कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि कोई भी समाज, कोई भी राज्य, उसकी रीढ़ अगर कोई है तो हमारी सशक्त बहनें हैं, सशक्त मातृशक्ति है। और कोई राज्य की नारी शक्ति अगर प्रगति कर रही है तो उस राज्य का विकास भी निश्चित है, सुनिश्चित है, उसे कोई नहीं रोक सकता। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार मातृशक्ति के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, उनके स्तर को ऊपर लाने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं, अधिकांश प्रयास किए जा रहे हैं। हमने भी इसी प्रक्रिया के अंतर्गत जहाँ ये नौकरियों वाला फैसला लिया, महिला नारी सशक्तिकरण योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, पोषण योजना, अभी लखपति देवी योजना, और बहुत सारी जगह पर मैं जाता हूँ। अभी राष्ट्रपति जी आई थी तो राष्ट्रपति जी के साथ में स्टालों का जब निरीक्षण कर रहा था तो उसमें से एक समूह की बहन बोली, कहीं बाहर से आई थी वो, चमोली से, बोली कि आपने जो उस समय आपदा के समय में हमको जो कोरोना महामारी के समय में पैकेज दिया, उस पैकेज के कारण से हमारा जो है अच्छा समूह चल रहा है और हम बड़ी धनराशि कमा रहे हैं, हमारा समूह बड़े फायदे में है, जगह जगह हम स्टॉल लगाते हैं, जगह जगह जहाँ भी कार्यक्रम होते हैं हम वहाँ जाते हैं। क्योंकि उस समय कोरोना महामारी के समय में भी 219 करोड़ रुपए का हमने सभी स्वयं सहायता समूह के लिए, महिला मंगल दलों के लिए, युवक मंगल दलों के लिए उस समय पैकेज दिया था। इसी प्रकार से जो यात्रा रूट पर पड़ने वाले लोग थे, पर्यटन से जुड़े हुए लोग थे, होटल व्यवसाय से जुड़े हुए थे, परिवहन विभाग से जुड़े हुए थे, यातायात वाले लोग थे, छोटे छोटे गाइड लोग थे या नौकायन करने वाले थे, जैसे टेहरी में करते हैं, वहाँ नैनीताल में करते हैं, उन सभी को भी हमने उस पैकेज के अंतर्गत जो है कहीं ना कहीं उनको वो देने का काम किया था। आज शिक्षा का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो या सामाजिक न्याय की बात हो, हर क्षेत्र में मातृशक्ति को संपन्न बनाए जाने का कार्य किया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार द्वारा जो योजनाएं बनाई जा रही हैं, उन योजनाओं के केंद्र बिंदु में अगर सबसे पहले कोई है तो हमारी मातृशक्ति है। इसको लेकर जहां हमने अभी तीलू रतौली पुरस्कार योजना, नंदा गोरा योजना, इस जो इसकी राशि मिलती थी उसमें भी बढ़ोतरी की है। अभी गोरा ऐप हम लोगों ने लॉन्च किया है, उसमें उसकी जानकारी आप सब लोगों को होगी कि उसका वो एप्लीकेशन को लोड करते ही अपने मोबाइल में
उस संबंधी जो थाना होगा उस थाने के अंतर्गत पूरी सर्विलांस में वो आ जाएंगी, जिसके कारण से कुछ घटनाएं ऐसी घटित हुई कि उसके बाद ये जरूरी हो गया कि जहां एक तरफ हम चाहते हैं कि हमारी मातृशक्ति का सशक्तिकरण हो, यानी कि मातृशक्ति हर जगह आ गया है, हर जगह उनको अवसर मिले, वहीं मातृशक्ति को सुरक्षा भी मिले, इसको लेकर हम लोग काम कर ही रहे हैं। अभी आज जो जल थल नभ और आकाश तक महिलाएं जो है आज भारतवर्ष का नाम रोशन कर रही हैं। अभी आपने देखा होगा पिछले साल नौसेना में 6 जांबाज जो महिलाएं थी समुद्र के रास्ते से पूरी दुनिया की जिन्होंने सैर की थी, यह हमारे लिए गर्व की बात है कि उस जो दल की कप्तान के रूप में थी, वो कप्तान के रूप में हमारे पौड़ी जिले की ही बेटी थी, लेफ्टिनेंट कमांडर वर्तिका जोशी। इसलिए आज बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, देश का नाम रोशन कर रही हैं। इसलिए हमारा भी सामाजिक और मानवीय दायित्व होना चाहिए कि हम लोग सब लोग बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए काम करें और उनको जो भी मार्गदर्शन या जो प्रोत्साहन हम दे सकते हैं हमको देना चाहिए। पहाड़ पर एक बड़ी समस्या है, मैंने देखा पानी की, उसको लेकर भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन योजना चलाई है, उसकी लगातार मैं भी समीक्षा कर रहा हूँ कि हर घर में नल पहुँचे, नल से जल पहुँचे, उस पर काम हो रहा है। आज लाखों घरों से इसके पानी पहुँचा चुके हैं, वह दिन दूर नहीं है जब प्रदेश के सभी घरों में इस योजना का लाभ मिलेगा। हमारा लक्ष्य है देश का श्रेष्ठ राज्य बनाना, देश का श्रेष्ठ राज्य उत्तराखंड बने, और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारी बहनों का, मातृशक्ति का सहयोग भी चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका समर्थन चाहिए। बहुत सारी चीज़ें, जैसे आशा बहन ने शुरू में कहा कि तमाम चीज़ें आप देख रहे होंगे, आज एक भर्तियों का बड़ा निकल रहा है, देख रहे होंगे शुरू में तो क्या है कि ये भर्तियों के जो घोटाले थे ये 2015-16 से लगातार चल रहे थे, शिकायत भी बार बार हो रही थी लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इस बार भी ये शिकायत आई, हमने तय किया कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे, और ये जो एक तरह से नासूर की तरह बन गई है, इसको एक बार तो साफ करना ही पड़ेगा। और ये हमने कठोर निर्णय लिया और धीरे धीरे जितनी भी जहां भी मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जहां भी गड़बड़ियां मिलेंगी, मैं अपनी बेटियों से भी कहना चाहता हूं, जहां भी गड़बड़ियां मिलेंगी हमने कहा है हम वहां पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि एक गरीब माता पिता के पास, उसके बेटे के पास, बेटी के पास अगर कोई धन है, कोई पूंजी है, तो वो केवल उसकी शिक्षा है। इसलिए कुछ लोगों ने अभी बीच में पटवारी भर्ती हुई, कब में भी पता लगा 8 तारीख को भर्ती हुई और 11 तारीख को हमें पता लग गया कि इसका भी वहाँ पर काम करने वाला जिस आदमी को ड्यूटी लगाई गई थी उसने जो है क्वेश्चन बैंक में से 70 में से जो क्वेश्चन बच्चों को दिए थे उसमें से 35 आ गए। हम आते तो उसको दबा भी सकते थे लेकिन हमने कहा नहीं, हम इसको दबाएंगे नहीं। उसी दिन हमने निर्णय लिया, लेकिन निर्णय लेने से पहले मैंने आयोग के लोगों से कहा कि आप इस परीक्षा को निरस्त करिए, लेकिन निरस्त करते ही इस परीक्षा की अगली डेट घोषित कर दीजिए, अगली डेट घोषित करिए, और जो परीक्षा में शुल्क लिया जाता है फार्म भरने का वो शुल्क नहीं लगेगा। इसके साथ साथ जो बसें हैं, गाड़ी हैं, जिसके पास भी एडमिट कार्ड होगा उस दिन उनको रोडवेज की जो बसें होंगी परिवहन निगम की उसमें निःशुल्क यात्रा करने का। अभी फिर पता लगा कि वो एई और जेई की भर्ती में भी गड़बड़ी हुई है, जो हमने कहा इसको भी, इसकी भी जांच करो, उसकी भी जांच में कोई रिपोर्ट खराब आएगी तो उसकी भी कार्रवाई करेंगे। लेकिन हमने कहा कि अब हम इसके लिए एक नकल के लिए एक सख्त कानून लाएंगे, पूरे भारतवर्ष का सबसे सख्त कानून, और उस कानून के तहत
जो नकल करने वाले बच्चे होंगे, जो उसमें वो भाग ले रहे होंगे और नकल में शामिल होंगे, उनको अगले 10 सालों तक किसी भी परीक्षा में भाग लेने का अवसर नहीं मिलेगा, उनको बैन। और जो नकल करवाने वाला होगा उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी और 10 साल तक की कैद भी होगी। तो इस प्रकार का सख्त कानून लाने का हमने निर्णय ले लिया है। अगली कैबिनेट जब भी होगी हम उस कानून को पास कर देंगे और बाद में वो भी जो है जैसे आपका एक कानून बना है वैसे ही कानून इसमें ही बन जाएगा। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि जो भी समय जो भी कालखंड मुझे मिला है मैंने कोशिश की है कि उसका एक एक पल एक एक क्षण अपने राज्य के लिए लगाऊं। उसमें जो अच्छा हो सकता है माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में निर्देशन में, और हमारा सौभाग्य है, एक बात मैं आप सबके सामने जरूर कहना चाहता हूं कि हमको ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो केवल प्रधानमंत्री के रूप में नहीं एक अभिभावक के रूप में भी, एक जैसे अपने माता पिता अपने बच्चे की चिंता करते हैं उन्होंने हर एक देशवासी की चिंता करने का काम किया है। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि उनकी पूज्य माता जी का शरीर पूरा हुआ सवेरे प्रातःकाल 4 बजे, 6 बजे वो निकल गए वहां से दिल्ली से, 8 बजे तक वहां पहुंच गए, 8:30 बजे उन्होंने बिना किसी उसके औपचारिकता के गुजरात स्वास्थ्य विभाग के एम्बुलेंस में बैठकर, देश के प्रधानमंत्री दुनिया के इतने बड़े नेता एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर दिया। हमें भी 8:30 बजे हमने फोन किया कि हम लोग भी शामिल होना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, आप लोगों की मीटिंग है, मैं उस दिन कलकत्ता में था, वहाँ प्रधानमंत्री जी को उस बैठक में रहना था। और 10:30 बजे वो संस्कार पूरा होता है और 11:15 पर प्रधानमंत्री जी हमारी मीटिंग में आ जाते हैं। आप सोचिए कितना कठिन होगा, माने कि एक तरफ पुत्र धर्म और दूसरी तरफ राष्ट्र धर्म, दोनों का पालन, और उनके उस दिन में भी एक भी कार्यक्रम उनका जो है वो कैंसिल नहीं हुआ, सारे कार्यक्रम होंगे। और कल बच्चों के साथ जिस प्रकार का उन्होंने संवाद किया वो तो अद्भुत ही था। तो इसलिए हमको उनके नेतृत्व में उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड राज्य से उनका बहुत लगाव है। हम लोग जब भी उनसे किसी बात करते हैं कोई अनुरोध करते हैं तो हमेशा वो हम लोगों के साथ अपना भरोसा देते हैं, अपना मार्गदर्शन देते हैं। जोशीमठ की घटना को लेकर भी लगातार प्रधानमंत्री जी खुद मॉनिटरिंग करते हैं, खुद पूछते हैं, और वहाँ पर टीमें काम कर रही हैं, और कुछ लोग उस पर भी राजनीति करने से बाहर नहीं आ रहे हैं। हमने कहा कि भाई इस पर राजनीति मत करिए, आप लोग जो कह रहे हो कि पूरा जोशीमठ डूब गया, पूरा उत्तराखंड डूबने वाला है, इससे तो हमारे यहाँ कोई आएगा ही नहीं, देश भर के लोग जो है वो अपने प्रोग्राम ही चेंज कर देंगे। मैंने दिल्ली में भी कहा, मैंने अपने मीडिया के मित्रों से भी कहा कि जोशीमठ में भी आज 70% जो काम है नॉर्मल चल रहा है, सामान्य चल रहा है। ठीक है, आपदा आई है उसका हम लोग सामना कर रहे हैं और जो भी जरूरी काम है वो जरूरी काम हम करेंगे। हम लोग दुखी हैं कि हमारा पौराणिक शहर है, हमारा सामरिक रूप से महत्व वाला शहर है, ओली के बगल वाला जो भगवान बद्री विशाल का शीतकालीन निवास वहीं रहता है, लेकिन इस प्रकार का माहौल बनाने से कि पूरा उत्तराखंड डूब गया, पूरा खत्म हो गया, तो हमारे यहाँ पर जो लोग यात्रा के कारण से अपनी आजीविका चलाते हैं, हमारे प्रदेश का काम चलता है, उन सब का व्यापार प्रभावित हो जाएगा। तो ठीक है, अब धीरे धीरे स्थिति लोगों की समझ में आ रही है, उस समय कुछ इस प्रकार का भी माहौल है। मैंने कहा राजनीति करने के लिए बहुत मंच मिल जाएंगे,
अभी सब लोग जो है केवल सहायता के लिए आगे आइए, कोई इसमें कोई काम कर सकते हैं तो कर आप करिए, आगे बढ़िए, हम लोग स्वागत करेंगे, आपके कोई सुझाव है आपके सुझावों पर भी हम काम करेंगे। तो आज के अवसर पर आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए, स्कूल की हमारी बेटियाँ भी आई हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और हम लोग ये ठान कर चल रहे हैं कि आप सभी के सहयोग से हम लोगों ने जो विकल्प रही संकल्प लिया है उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य बनाने का, उस लक्ष्य को हम लोग अवश्य हासिल करेंगे। मैं अंत में आप सभी को धन्यवाद करते हुए और ये पंक्तियाँ, खुशियों को रखती है सजोकर ज्यों मोती की सीख, नारी